नमस्ते आज हम रट्टू आध्यात्मिक लोगों के बारे में जानेंगे ये वो लोग होते हैं जो अध्यात्म की प्रचलित परिभाषाओं को रट रट्टा मार लेते हैं और चार लोगों के बीच में उसको दोहरा के अपनी विद्वता का पर प्रदर्शन करते हैं उनको ये लगता है कि मुझ, मैं विद्वान कहलाया जाऊँगा अगर इतना सारा चीज़ अगर मैं रट्टू तोते की तरह बार बार बोलता रहूँ तो ऐसे तो ही एक व्यक्ति के बारे में हम आज जानेंगे इनका नाम है सत्यनारायण ये मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में एक ही टाइप का कमेंट करते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं करेगा एक दोहा है जिसे वो बोलते हैं मैं आपको बताती हूं। राधे कृष्ण रा, हर कमेंट के पहले राधे कृष्ण लिखेंगे और हर कमेंट के लास्ट जय श्री राम लिखते हैं ठीक है तो ये इन्होंने ये हर कमेंट में लिखते हैं राधे कृष्ण इष्ट कृपा बिन गुरु नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं ज्ञान बिन आत्मा नहीं गावे वेद पुराण इन्होंने कई कई वीडियोस के कमेंट में इसको एक्सप्लेन भी किया है कि सबसे पहले इनके मुताबिक ज्ञान प्राप्त करने का आत्मज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ एक मार्ग है इनके मुताबिक पहला स्टेप भगवान की कृपा होगी कृपा होगी तभी आपके जीवन में गुरु आएगा बिना कृपा के गुरु नहीं आएगा मतलब इनका इनका मैं बता रही हूँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रही हूँ थर्ड गुरु आएगा तब ज्ञान आएगा थर्ड ज्ञान बिना आत्मा नहीं ज्ञान आएगा तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी ठीक है गावे वेद पुराण मतलब ये चार जो स्टेप है इसी स्टेप से होके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है और जिसकी लाइफ में अगर जीवित गुरु नहीं है तो वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता बिना जीवित गुरु के ये ऐसा इनका मानना है इन्होंने मेरे बहुत सारे कमेंट में ऐसा मेरे को बोला है इन्होंने मेरे हर वीडियो में ये कमेंट किया है लेकिन अगर आप जाएंगे ना इनका कमेंट ढूंढने तो आप नहीं पाएंगे उसको इन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया है और क्यों किया है क्योंकि मेरे एक वीडियो में इन्होंने कुछ कमेंट किया था जिसका मैंने रिप्लाई किया और ऐसे करके हमारा कन्वर्जेशन चला कुछ 22 या 25 कन्वर्जेशन थे कुछ 10-12 रिप्लाई मेरे थे 10-12 रिप्लाई उनके थे मैं क्या देखती हूँ कि मैं उसको ना पिन करना चाहती हूँ उस कन्वर्जेशन को ताकि जो भी वो वीडियो देखे क्योंकि वो जो लोग वीडियो देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाते हैं और मैं चाहती थी कि वो कन्वर्जेशन हर कोई देखे तो मेरे पिन करने से पहले ही मैं क्या देखती हूँ कि इन्होंने सारा कन्वर्जेशन डिलीट कर दिया अब मैं आपको बताती हूँ ये करते क्या है इन्होंने इन टोटल मेरे चैनल में पचास कमेंट किए होंगे ठीक है और हर कमेंट करने के एक सेकंड के अंदर ये अपने कमेंट को खुद लाइक करते हैं किसी और का वेट नहीं करते खुद ही लाइक करते हैं अपने कमेंट को एक सेकंड नहीं लगाते लाइक करने में मुझे पता है यही करते हैं क्योंकि ये कमेंट लिखते रहते हैं नोटिफिकेशन बसता है एक सेकंड होता है कि ये खुद ही लाइक करते हैं और जब हमारा कन्वर्जेशन चल रहा था तो मैंने तब भी नोटिस किया कि ये अपने कमेंट को खुद लाइक करते हैं अब जो व्यक्ति अपने कमेंट को खुद लाइक करता है उसके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो आप अभी देखो मैं बताती हूँ पहली चीज़ तो ये कि इनको अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंस नहीं है इनको लोगों का भीड़ चाहिए वैलिडिटी के लिए कि कोई और आके भी बोले कि हाँ भाई सही बात बोल रहे हो आप तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है मतलब इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो भाई सत्यनारायण जी अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो फिर क्या मतलब हुआ आपके गुरु से दीक्षा ग्रहण करने का आप बोल रहे हो इन्होंने हम इन्होंने बताया कि ये किसी आ, किसी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं दीक्षा ग्रह ग्रहण किए हैं इन्होंने ऐसा इन्होंने किसी में कमेंट में बोला था तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं आपको मैं मान सकती हूँ कि मेरी बातें आपको जमी नहीं होंगी और मैं आपको बेवकूफ़ लगती होंगी या आप नहीं मानते होंगे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है इट्स ओके मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है ठीक है लेकिन मैं आप आप कंपेरिजन कर रहे हो ना इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है आप मेरे को बोलते हो ना मैंने दीक्षा नहीं ली है इसलिए मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा प्राप्त करने की जरूरत है ठीक है आपने तो प्राप्त की है ना दीक्षा तो ऐसी क्या ऐसी क्या कमी रह गई आपकी गुरु दीक्षा में कि आपको आपके आपके ज्ञान के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आप थथमरा गए आप एकदम झल्ला गए और आपने आ, कमेंट को डिलीट कर दिया आपको रह, आपको रहने देना चाहिए था पूरी दुनिया को देखने देना चाहिए था अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो सबको पता चलने देना चाहिए था कि हाँ भाई इसको दिमाग नहीं है ये कुछ भी बोलती है उस पता चलने देते ना बाकी लोगों को क्यों आप घबरा के अपना ही कमेंट बंद कर दिए और मैं बाकी सब लोगों को बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या कमेंट किया था जिस जिसकी वजह से इनको घबराहट हो गई मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया था कर्म होते हैं तो प्रकृति में होते हैं उसे जानने वाला मैं अमर आत्मा परमात्मा हूँ कर्म बंधन मुझ पर लागू नहीं होता मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं जय श्री राम तो मैंने इनको रिप्लाई किया था 99.99 परसेंट .99 मनुष्य अपने कर्मों को नहीं जान पाता एक्चुअली में नहीं जानता है वो अपने कर्मों को ठीक है जानता तो इतना टेंशन में रहता इतना बर्बाद रहता नहीं नहीं जान पाता है भाई इसके लिए मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है जब तक वो खुद भोग मुक्त ना हो जाए तब तक वो नहीं जान पाता है और भोग मुक्त ना होने के कारण वो कर्मों के बंधन में तो बंधेगा ही बंधेगा ठीक है अगर आपने गीता पढ़ी है तो जाइए कर्मों के बंधन जो है वो भोग मुक्त होने के बाद नहीं ब नहीं बनते हैं ठीक है, है? सॉरी मैं इसको अच्छे से बोलती हूँ मुक्त होने के बाद कर्मों के बंधन में आदमी नहीं फंसता है लेकिन जब तक वो भोग मुक्त नहीं है तब तक तो वो कर्मों के बंधन में फंसेगा ना तो यही चीज़ मैंने रिप्लाई की थी और मैं आत्मा हूँ भाई परमात्मा नहीं हूँ ठीक है एक हमारे उपनिषद का एक वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ ये हमारे ऋषियों ने कहा था किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा किया है उन्होंने बहुत बड़े सत्य को जानने के बाद बोला है उन्होंने उनका उनके मुँह से ये बोलना शोभा देता है सही सही लगता है और सत्य है ये लेकिन उस वाक्य को आपने रट के आपने ये सोच लिया कि आपकी भी वही स्थिति है जो उन महान ऋषि मुनियों की थी वो जो ऋषि हैं उन्होंने बहुत साधना करने के बाद इस सत्य को पहचाना है तो वो ये उनका फाइंडिंग है ये उनका आविष्कार है क्या बोलते हैं ये उनकी खोज है ठीक है ये उन्होंने जाना है अपने मेहनत और अपने साधना के बल पर ये उन पे सूट करता है अब उनकी साधना को आप ये मान के चल रहे हो कि आपकी भी साधना है और आप भी बोलोगे कि मैं परमात्मा हूँ तो कैसे सूट होगा बताओ आप परमात्मा नहीं हो आप राधा कृष्ण नहीं हो अगर आप परमात्मा हो अगर ठीक है तो इतने सारे जो जीव हैं दुनिया के इसको क्या आप अपने में समेट के पालन पोषण कर रहे हो क्या नहीं ना आप सिर्फ आत्मा हो परमात्मा नहीं हो आप परमात्मा होने के लिए बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है और जो लोग ये साधना करते हैं ना वो ये नहीं बोलते कि मैं परमात्मा हूँ नहीं बोलते ठीक है और जिन ऋषियों ने बोली है अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने अपने लिए बोली है तुम्हारे रटने के लिए नहीं बोली है ठीक है अब आगे इनका इनका आगे क्या क्या है मैंने इनको लिखा है कि जो मनुष्य खुद को ही परमात्मा बोले वो तो बहुत गड़बड़ बात है इसे समझने का प्रयास प्रयास कीजिए और अभी आपके जन्म कर्म दिव्य नहीं है इस भ्रम से बाहर आ जाइए आप बोलते हो मेरे जन्म कर्म जन्म और कर्म दिव्य है अच्छा ये दिव्य है अपने ही कमेंट के लिए आपको लाइक करने की ज़रूरत पड़ पड़ते जा रही है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप अपना बात बोल रहे हो उसमें आपको डिलीट मार के मुँह छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है और इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं इनके कमेंट पर रिप्लाई ना कर सकूँ ये इन्होंने एक काम और किया है ठीक है तो ऐसे ऐसे काम ये कर रहे हैं कि ना अपने आप को उजागर होने दे रहे हैं खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको तो फिर मैं तो प्रश्न चिन्ह लगा रही हूँ आपके आपके ज्ञान के ऊपर ये कैसा ज्ञान है जो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं दे पा रहा है अब आगे ये लिखते हैं अच्छा इन्होंने सोचा कि ये डिलीट करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा पर मैं बता दूँ यूट्यूब ना नोटिफिकेशन भेजता है वो सारे नोटिफिकेशन में आपके सारे कमेंट लाइन से मुझे दिख गए थे और मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पे इस पर तो वीडियो बना के रहूँगी अब इनका नेक्स्ट कमेंट क्या है फिर से वही बोल रहे हैं बिना सत्संग विवेक ना होती इष्ट कृपा बिन सुलभ ना होती जा जापे कृपा हो राम की तापे कृपा करे सब कोई जय सीता राम हाँ भाई तो मैंने कब कहा कि बिना राम की कृपा के, के आदमी का कल्याण हो जाता है नहीं मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा बिल्कुल इष्ट कृपा से मनुष्य का कल्याण होता है तो आप आप बार बार मेरे वीडियो में ये लिख के आप ये लेकिन आप अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो मुझे तो ये समझ नहीं आता मैंने कभी अगेंस्ट में बात की है क्या ऐसी और आपको ये भ्रम क्यों है कि मेरा गुरु नहीं है आप कृष्ण को गुरु नहीं मानते हो क्या आप भगवान भोलेनाथ को गुरु नहीं मानते हो क्या क्यों वो गुरु होने के काबिल नहीं है वो मेरे गुरु नहीं हो सकते मैं ये मान सकती हूँ कि आपको मुझ में कमी नज़र आती है मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है बहुत आपकी जैसी इच्छा वैसा मेरे बारे में सोच सकते हैं लेकिन आपका ये सोचना कि मुझे गुरु की ज़रूरत है इनडायरेक्टली मेरे जो गुरु हैं कान्हा और भगवान भोलेनाथ इसका आप अपमान कर रहे हो इनडायरेक्टली उनको आप समर्थ नहीं समझते उनको नहीं समझते कि वो गुरु होने के लायक है ठीक है तो आप आपको किसने हक दिया कि आप मेरे गुरु का अपमान करो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे ये क्या लिख रहे हैं आ, मैंने इनको कहा कि ये भ्रम में है ये परमात्मा नहीं है परमात्मा होना बहुत अलग बात होती है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक एक बूंद जब विलय हो आप जानते हैं कि भारत की कई सारी नदियाँ मीलों लंबा दूर सफर तय करती हैं और जाके समुद्र में मिल जाती हैं ठीक है जब वो नदी होती हैं तो नदी के पानी के जो लवण होते हैं जो रासायनिक केमिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और जब वो नदी जाके समुद्र में मिल जाती है तो उसके केमिकल जो लवण होते हैं जो बूंद में जो भी आप उस क्या बोलते हैं रासायनिक पदार्थ जो आप पाएंगे वो समुद्र वाले होते हैं अलग होते हैं तो जब नदी इतना लंबा रास्ता तय करके जब समुद्र में विलय हो जाता है उसका तब वो नदी नदी नहीं रहती वो समुद्र बन जाती है तो ये जो इतना लंबे इतना लंबा सफ़र तय करना जो है ना वो साधना है साधना से गुजरने के बाद मनुष्य ये जानता है कि वो वो नहीं है वो साधना से गुजरने के बाद वो फीलिंग आती है कि मैं जो इतने सालों से सोच रही थी कि मैं ये हूँ एक्चुअली में मैं ये नहीं हूँ ये सब धकोसला है भ्रम है मैं प्रॉपर्टी हूँ ऊपर वाले की मुझ में सांस लेने वाला कोई और है मुझ में सोचने वाला कोई और है मेरे मुँह से बोलने वाला कोई और है मेरे दिमाग में घर करने वाला कोई और है मेरे दिल में बसने वाला कोई और है ये जानने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है और जब बूंद समुद्र में जाके ऐसे मिल जाए जब वो खुद खुद का अस्तित्व मिट मिटा दे कि वो कभी एक नदी हुआ करती थी तब जाके फिर वो कहे कि हाँ अब अब मैं समुद्र हो गई हूँ तब जाके उसका बोलना सार्थक है उस पर सूट करता है उस पर फबता है कहीं ना नदी नाले का कहीं झर जर, झरने का कहीं तालाब का कहीं नल का कहीं टंकी का कोई पानी या बूंद ये बोले कि मैं समुद्र हो गया हूँ तो उसके मुँह से ये नहीं जमता ये नहीं फँपता ठीक है ये कोरा बकवास है इसको रट्टू आध्यात्मिक बोलते हैं कि बूंद ने रट लिया है कि समुद्र समुद्र क्या कहता है उसकी बात को तालाब के बूंद ने रट लिया है अब वो भी रटन लगा के बाल्टी के सामने गिलास के पानी के सामने टंकी के पानी के सामने बोल रहा है धकोसले चालू कर रहा है डींगे हाँक रहा है कि हाँ मैं समुद्र हो गया हूँ मेरा तो अस्तित्व ही समुद्र है ये है वो है कितना खोखला बात लगता है आप समझ रहे हो ये सब चीज़ और आप ऐसे ही कर रहे हो मैंने इनको बोला कि आप भ्रम में पड़े हुए हो तो ये मेरे को बोलते हैं कि भ्रम में आप हैं आप पे कृष्ण इनका 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 कमेंट है कि भ्रम में आप हैं 99.99 परसेंट आपको कृष्ण जी की कृपा है पर सदगुरु कृपा और सदगुरु से सत्संग और दीक्षा शिक्षा की ज़रूरत है तभी आप मेरे अमृत वचन को समझ पाएंगी ये इन्होंने लिखा है अगर भाई अगर आपका वचन इतना ही अमृत था तो बाकी लोगों को भी उसका पान करने देते डिलीट का है किया आपने मैं अगर भ्रम में हूँ तो बाकी लोगों को भी देखने देते कि हाँ भाई ये भ्रम में है हुं? आपका तो बड़ा नाम हो जाता है इससे ठीक है आपको रहने देना चाहिए था कमेंट्स मैं ना कमेंट्स में खासकर ऐसे कमेंट्स में रिप्लाई इसीलिए करती हूँ ताकि इनको तो भ्रम है इनके नाम से दूसरे कमेंट्स पढ़ने वालों को भ्रम ना हो इसलिए मैं रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ इसलिए मैंने इनको रिप्लाई किया था और इन्होंने सारा डिलीट मार दिया ये फिर से लिख रहा है मेरे को शशि हरमुख जी घूम फिर कर भगवान कृष्ण जी आपको जीवित ब्रह्म ज्ञानी के पास भेजेंगे अच्छा ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने साधना कैसे की तो मैंने बताया था कि मैं भगवान के संपर्क में थी मैं किसी जीवित गुरु के संपर्क में नहीं थी तो मैं अपना सच बता रही हूँ भाई जब संपर्क में नहीं थी तो मैं ये बोल दूँ कि हाँ मैं संपर्क में थी जीवित गुरु को ऐसा बोल दूँ क्या जब नहीं थी तो नहीं नहीं थी बोलूँगी ना लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप ना रहो इसके संपर्क में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं बोला तो ये मेरे को ये मेरे ये ऐसा समझते हैं कि मैंने मना किया है तो इसलिए ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि घूम फिर के जीवित ब्रह्म ज्ञानी के पास भेजेंगे ताकि आपको पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो सके पूर्ण आत्मज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता पहले बता देती हूँ अच्छा किसी भी कमेंट के शुरू में जय श्री कृष्ण और आखिरी में राधे राधे लिखने से वो बात सत्य साबित नहीं हो जाती आदमी अगर चाहे तो ईश्वर को भी अपना पिता बना सकता है ईश्वर को भी अपना दोस्त बना सकता है बिना उसको देखे बिना उसकी सत्यता की जांच किए बस विश्वास के दम पे ठीक है आपको अभी पता नहीं है इसकी ताकत कितनी बड़ी होती है तो आप अपने धकौसलेबाजी को ना यहाँ पर प्रचार मत करो गुरु की अपनी महत् महत्ता है मेरे जीवन में भी गुरु हैं मैं बिना गुरु के शिक्षा प्राप्त नहीं की हूँ ठीक है तो आपको मेरे गुरु का सम्मान करना चाहिए ठीक है लेकिन आपका ये नियम बना लेना कि बिना बिना जीवित ब्रह्म ज्ञानी के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अज्ञानता को दर्शाता है कि ये फिक्स्ड कर लिया आपने नियम कहाँ पढ़ा कि ऐसा नियम किसने बोला कि ये नियम फिक्स्ड है कि बिना बिना जीवित गुरु के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते किसने बोला मैं इसका उदाहरण हूँ ठीक है इन केस आपको कहीं से पता नहीं चला होगा तो मैं बताती हूँ मैं इसका उदाहरण हूँ मैंने ईश्वर को ऐसे पूजा जैसे कि वो जीवित हैं और उन्होंने इसका प्रमाण मुझे दिया कि हाँ वो जीवित है तुम कर सकते हो तुम तो तुम कर लो मेरा पूरा सपोर्ट है आप कर सकते हो कर लो जितने लोग मेरे को देख रहे हैं जिनमें से जो करना चाहे कर ले ठीक है ईश्वर को आप मान के देखो सत्य की तरह फिर वो सत्य की तरह आते हैं कि नहीं फिर आप मेरे को बताना ठीक है मुझे तो पूरा विश्वास है नहीं आएंगे तो आपकी सत्यता में कोई कमी है मैंने इनको बोला था श्री कृष्ण परमात्मा है आप परमात्मा नहीं हो तो इन्होंने लिखा मैं ही राधे कृष्ण हूँ मैं ही परमात्मा हूँ मैं मैं पूछती हूँ सत्यनारायण जी ऐसा कौन सा काम आपने किया है जो परमात्मा समान है आपका हु? हमारे ऋषि मुनि अगर बोले तो मैं एक बार मानती भी हूँ क्योंकि उन्होंने उपनिषद जैसे बहुत अच्छी अच्छी किताबों को जन्म दे दिया बहुत सारे गुढ़ रहस्य की बातों को जन्म दे दिया बहुत सारे शिष्यों को पैदा किया जो एकदम हमारे समाज के लिए अमृत के समान हैं ठीक है थीके? एकदम भगवान समान हो गए वो लोग ठीक है लेकिन आपने ऐसा अगर आप परमात्मा हैं तो आपने ऐसा क्या काम किया है जो परमात्मा मानने लायक हो मुझे बताओ कमेंट करके ठीक है मैंने तो आपको ब्लॉक नहीं किया है हिम्मत है तो आप कमेंट करके बताओ आपने ऐसा क्या काम किया है जो परमात्मा बोलने लायक है ठीक है बताओ मेरे को मैं देखूँगी आप ये बोलो ना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ नहीं लेकिन आपने तो बोला कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ आपने तो ऐसा बोला है ठीक है समुद्र अपने अंदर असंख्य जीवों को पालन पोषण करके रखता है परमात्मा इतना बड़ा ब्रह्मांड पालन पोषण कर रहे हैं हैं क्या आपने किसी मेरे को बताओ आपने किसी एक राज्य का पालन पोषण किया हो तो एक देश में भारत देश में किसी एक राज्य का अगर पालन पोषण किया हो तो आप मेरे को बताओ मैं आपको परमात्मा मान लूँगी अगर एक राज्य का भी आप पालन पोषण कर रहे होगे तो ठीक है तो फालतू हवा में ना उड़ो फालतू बकवास ना किया करो और ये रट्टू आध्यात्मिक बनना बंद करो ये रटना वटना छोड़ दो इसके बाद इन्होंने मैंने बोला है भोग मुक्त के बारे में बात किया था तो इन्होंने लिखा है भोग मुक्त कुछ नहीं होता वासना मुक्ति और कामना से मुक्ति प्राप्त करना ही दिए है अब बताओ ये ऐसी बात ना ये रट्टू लोग ही बोलते हैं आप समझ रहे हो मतलब मैं कम्बाइन सारे प्रकार के भोग को कम्बाइन करके अगर मैं भोग मुक्त बोलूँ तो गलत है लेकिन ये एक एक उसका टाइप कामना और वासना मुक्ति बोलेंगे तो ये सही है ये मेरे को ऐसे तो टोकते रहते हैं ये कि नहीं मैडम आप भोग मुक्ति बोल रहे हो वो गलत है असल में वासना मुक्ति होती है कामना मुक्ति होती है तो भाई वासना और कामना भी तो भोग का ही प्रकार है ना अब जो रटेगा वही ये सब चीज़ फालतू बात करेगा अब जो चीज़ अपनाएगा जो व्यक्ति अपनाएगा ना उसको समझ में आता है ये सब चीज़ ठीक है तो मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ कि ये जिस व्यक्ति सत्यनारायण के बारे में जो मैंने आपको बताया ये एक रट्टू आध्यात्मिक हैं तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए और इससे सतर्क रहिए कि आध्यात्म को न रटना घोट के पीना नहीं है उसको लॉजिकली सोचो और अध्यात्म बहुत लॉजिकल है जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें लॉजिक नहीं है वो अध्यात्म को नहीं जानते नहीं जानते अध्यात्म इतने बीस चौबीस पच्चीस सालों से मैं इस रास्ते पे हूँ मुझे कभी एक चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई जो लॉजिक से हट के बोली जा रही हो नहीं वो बहुत लॉजिकल है अध्यात्म आप अपने दिमाग का उपयोग करिए जो चीज़ बोली जा रही है भगवत गीता में वो वर्षों पुरानी बातें हैं लेकिन आज इतना प्रैक्टिकल है इतना लॉजिकल है आज भी लॉजिकल है और तब भी लॉजिकल था रटना बसमत उसको लॉजिकली सोचो और सोचोगे जब अपनाओगे ना तो पाओगे क्या गजब की चीज़ है ये लाइफ एकदम मस्त बना के रख देती है एकदम आपको दुनिया का राजा बना के रख देगी मोस्ट पावरफुल मोस्ट हम्बल और सबसे ज़्यादा शांति प्रिय और सबसे भयानक योद्धा सब कुछ बना के रख देगी तो आप इसको लॉजिकली सोचो और रट्टू आध्यात्मिक मन बनना प्लीज़ थैंक यू